रूपनगर शहर में हो रही चोरी की वारदातों को रोकने के लिए आज सिटी थाना SHO राजपाल सिंह गिल ने शहर के दुकानदारों के साथ सिटी थाना में एक मीटिंग की और उनको अपील की कि दुकानदार कम से कम अपनी अपनी बाजारों में चौकीदारों का प्रबंध करें और इन चौकीदारों को कम से कम 10,000 रुपये महीना दिया जाए और उनसे रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चौकीदारी करवाई जाए ताकि चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस की मदद की जा सके। थाना मुखी ने कहा कि वारदाताओं को रोकने के लिए पुलिस को हमेशा पब्लिक का सहयोग चाहिए होता है और लोगों को उन्होंने अपील की कि पुलिस का सहयोग करें और अपने अपने बाजारों में चौकीदार का प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि थोड़े से पैसे 50-100 रुपये महीना एक दुकानदार को देने पड़ेंगे, इतने में एक चौकीदार का प्रबंध किया जा सकता है जिससे बड़ी चोरी की वारदातों को रोकने में कामयाबी मिलेगी और लोगों का हो रहा नुकसान भी नहीं होगा। थाना मुखी ने कहा कि पहले शहर के बाजारों से चौकीदार रखने की शुरुआत की जा रही है, इसके बाद इस सिलसिले को रिहायशी इलाकों में भी ले जाया जाएगा और रिहायशी इलाकों में भी चौकीदार रखने के प्रबंध करवाए जाएंगे। 12 तारीख को चार्ज लिया सिटी थाने का, तो मेरे ध्यान चाहिए लोगों ने या पब्लिक के नुमाइंदों ने ध्यान लिया भी शहर चोरियां बहुत हो रही जी, इन्हें कोई रोकथाम लिए काम करो। फिर मैं उन्होंने लोगों के नाल ही गल करी थी भी मैं शहर के जोड़े मेन बाजार ने ज मार्केटा ने जिमें सराफा बाजार आ ज व्यापार मंडल आ भी उन्होंने प्रधानों मैं गल करूँगा, उन्होंने प्रधानों गल करके आप शहरों के चौकीदार जरूर लाइए क्योंकि शहर के जी पुलिस आ हर जगह पुलिस नहीं आप डिप्लाई कर सकते, खड़ी नहीं हो सकती, पुलिस गश्त कर सकती है, तो एक एरिए तो गश्त करी जो पुलिस दूसरे पास जाती है तो पिछले कोई ना कोई माड़ा आंसर वारदात को अंजाम दे देता वा, तो जो अपना चौकीदार घूमता होगा ना पुलिस चौकीदार को सतर्क रखेगी ना चौकीदार थोड़े एरिए की राखी वधिया करेगा फिर वो चोरी नहीं होगी। ये आप हले शुरुआत दुकाना तो करते हैं मार्केटा बाजारों तो करते हैं, हौली हौली इन्हों आप रिहायशा वाले पास भी ले जावे तो जो रिहायशा भी जिते कोई रात को कोई जिंदा ला के या दिन कोई जिंदा ला के जाता वा उत्थे भी चोरी ना हो। ये अपना मैंने ये है भी इनिशिएटिव लैन आप कामयाब होंगे, चोरियां घटनगियां 100% चलो आप कही भी नहीं खत्म होनगियां तो बहुत ज़्यादा घट जा 99% चोरियां जड़ियां खत्म हो सकदियां ने जे आप ये चौकीदार सिस्टम सक्सैसफुली चलावे। पर यह चौकीदार सिस्टम जो सक्सैसफुली चलाना तो लोगों घट्टो घट्ट एक चौकीदार को 8 घंटे की ड्यूटी लिए 10,000 रुपया देना पड़ेगा, 10,000 रुपया देने लिए मन गए तो चौकीदार अपनी वधिया ड्यूटी करेगा तो चौकीदार चोरी नहीं होने दूगा। तो मैं इन लोगों को भी कहना भी चौकीदार जोड़े रखने ने उन्होंने मिनीम 10,000 रुपया जरूर देन ता जो थोड़ी प्रॉपर्टी की जान माल की रखा कर। तो इन्हों जे पैसे देने है पे कौन पे करूँगा तो किस तरह होएगा सारा ये दुकानदार ही खुद इकट्ठा करके अपना देने जी, ये मतलब कि अपना खुद पैसा इकट्ठा करेंगे कोई एक बंदा इकट्ठे करूँगा तो उस चौकीदार को दया करूँगा। इन्होंने मांग की थी भी चौकीदार सानू प्रोवाइड कराओ, हम मैं पिंडा के गल करके जोड़े कोई नौजवान मुंडे नौकरी करना चाहते ज बेरोजगार ने 10,000 रुपया मिलना रात 8 घंटे की वधिया गल आ, तो उन्होंने असी इन्हों रेत करके चौकीदार सिस्टम सिक्योरिटी गार्ड के एज सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने उस इलाके से लाऊंगे। तो पुलिस विभाग वालों इन्हों कोई पहचान पत्र या कोई इस तरह जारी किए जाएंगे? बिल्कुल जी, असं इन्हों प्रॉपर वेरीफिकेशन करके इन्हों का पिछला करैक्टर या पिछला इन्हों का पुलिस का देख के रिकॉर्ड भी इन्हें कोई माड़े काम तो नहीं करे हुए है वो फिर इन्हों वाकई इन्हों प्रॉपर इन्हों वैपन जिन्होंने आप कह दें डंडा चंगा कोई डंडा इन्हों देवे हो सकता तो इन्हों वर्दी भी पवावे तो जो वर्दी च रहन, मोबाइल नंबर भी इन्हों मोबाइल भी दवाओगे तो जो जिन्होंने संपर्क करना हो साडे नाल मोबाइल से संपर्क तुरंत कर लैन तो आपस ही भी इन्हों इंटरकनैक्ट करावे चौकीदारों भी जो इंटरकनैक्ट किसी लोड़ा दूजे बंद बुला लवे साडे पुलिस वाले PCR पार्टियां दे फिर नंबर देवे थाने के मुंशियां थाने के लैंडलाइन नंबर सारे देवे तो जो ये अपनी भी सुरक्षा कर सकन तो अपने प्रॉपर्टी की भी रक्षा कर सकन। एनस्टार न्यूज़ के लिए रोपड़ से जसवीर सैनी की रिपोर्ट।